अब ये हमारे परफेक्ट नोजर को टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, साले मारू ऐसी एक चाटा भी हेडफोन उतरे तेरे। भाई मैंने तो पहले बोल दिया था ये 10 है भाई। अलादीन के चिराग जैसी बोतल नहीं है, ऐसे रगड़ूंगा फिर जिन निकल के आएगा। सुन के पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज लगाई है ना कि सामने वाला पूछ ही लेगा कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज मेरे पास 3 परफ्यूम्स हैं और मैं आप लोगों को उसका रिव्यू देने वाला हूँ और इन लोगों से भी दिलवाने वाला हूँ, ये सुजल, समर्पित और भाविन। मैं 3 परफ्यूम्स लेके आया हूँ, मतलब एक परफ्यूम मैंने मेरे ख्याल 1 से 1.5 महीने पहले लिया था, 2 परफ्यूम्स मैं अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर लेके आया हूँ। मेरे को परफ्यूम्स का बहुत शौक है, तो मतलब आज रिव्यू करेंगे कौन सा परफ्यूम कैसा है, इन लोगों से पूछेंगे, रेटिंग मांगेंगे 10 में से किसको कौन सा परफ्यूम कितना अच्छा लगा और कितनी रेटिंग ये लोग देते हैं, वो इन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग भी परफ्यूम लेने का सोच रहे हो या आपके माइंड में है कुछ कि इस प्राइस रेंज में या उस प्राइस रेंज में परफ्यूम लेना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला लो या ना लो। तो इस वीडियो में बने रहो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसी के साथ करते हैं आज के इस दिन को शुरू, लेट्स गो। हमारे ऋषि डॉन की भी एंट्री हो गई है। ऋषि डॉन, आज हम इन 3 परफ्यूम्स को लगा के आप लोगों से रेटिंग मांगने वाले हैं। सुनाऊंगा कि कौन सा कैसा लगा, रेटिंग देनी है, ठीक है? थाली में पेश किया जाए। साले फ्लो में मत आ, फ्लो में, समझ गया, फ्लो में मत आ। देख लो कैसा है तुम्हारा, फ्लो में। बच्चा है मेरा, मुन्ना है छोटा। मेरे पास टेस्टर्स तो है नहीं, ऊनो के कार्ड ले लिए हैं, कोई स्मेल नहीं है इसमें, तो इसी पे लगा के 3 कार्ड से मेरे पास, तीनों पे अलग अलग लगा के और उनसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, इस पे लगा लेते हैं। ये भाई नेक्स्ट लेवल खुशबू है इसकी, नेक्स्ट लेवल। चलो जी, हेलो हेलो सर, तो फिर अभी तो कहता थाली से जाओ, आओ शुरू करें, आओ सबसे पहले से शुरू करते हैं भाविन से। ये बंदा बाहर से आया है, ले भाविन। हाँ ले, ये सूंघ और बता कैसा है ये। एकदम लाइक नेचुरल फ्रेग्रेंस है। अच्छा हाँ, और लाइक कोई, अरे प्रोफेशनल मत बता, ये बता क्या लग रहा है, कैसी रेटिंग बता पहले, 10 में से कितने मार्क्स देगा? फिर से सुन, 10 में से 7। 7, फिर से एक बार सुन अच्छे से, कैसी खुशबू है, मीठी है, स्पाइसी है, कैसी खुशबू है? अ लिटिल बिट स्पाइसी है। हाँ, और लाइक टैंगी है। गर्मियों में यूज करेगा इसे या ठंड में यूज करेगा? मैं गर्मियों में, गर्मियों में, ठीक हो गया। ले पॉल वॉकर, सुनने का तरीका देख रहा है, कति नाक के पास से कार्ड छू के जा रहा है। चल चल तू देख, नाक बंद है ना। कोई नहीं कोई नहीं, सुन ले, सुखा मतलब उल्टा उस तरफ से सुन। हाँ अच्छी है, अच्छी है। क्या है मतलब आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 8.5 करो, 8.5। और मतलब कैसी खुशबू लगी, मीठी लगी, कैसी लगी? इतना आईडिया दिया मेरे को, अगर किसी ने लगा रखी हो तो पसंद करेगा खुशबू? मैं तो कहूँगा तो लोग पसंद करेंगे। करेंगे, ठीक हो गया जी। कितनी, 8.5 और 7, ठीक है ले। अरे दूसरी तरफ से, उन वाली साइड से। अब तो बदबू आ जाएगी इसको छू लिए। बदबू आ जाएगी यार, अब नहीं, अरे नहीं है, सीरियस मैटर चल रहा है अभी। हाँ तो मैं बताऊँगा। हाँ, सही है। कैसी, आउट ऑफ 10? 7-8। अबे एक होता 7-8 क्या? 7.5। परफ्यूम जैसी है, वाह गाइस ये खुशबू परफ्यूम जैसी है। अब ये हमारे ऋषि भैया, लो थाल तो नहीं आई आपके लिए, उन्होंने कहा है। अबे दूसरी तरफ से सूंघ, ये तो टट्टी है। अबे इससे छू लिया, टट्टी है जी, अब टट्टी की आवाज आ रही है। अबे कुछ करना है यार, पहले बस दो परफ्यूम करते हैं, एक ये पाव हो गए, बिंदल। ओए ब्लू ब्लू, लाइट है। हम्म, इसकी बोतल बहुत प्यारी है, ये चेक करो, मतलब काफी हैवी, काफी नहीं मतलब हाँ ठीक ठाक हैवी बोतल है। और इसकी एक और बहुत अच्छी बात, मैग्नेटिक कैप है। लेकिन पता है कल क्या हुआ, जैसे ही आया ना
मैंने इसकी कैप मैग्नेटिक थी, तो साउथ और नॉर्थ पोल का कुछ होता होगा, तो ये एक ऐसे बंद होती है और अगर ऐसे बंद करो ये बंद नहीं होती, देखो घूम के ही बंद होती है, मतलब तो दो तरीके से बंद होती है, बीच में किसी एंगल से बंद नहीं होती है। तो मैंने जैसे ऐसे बंद करी, ये ढक्कन गिरा और ये मुड़ गया, बुरा सा लग रहा है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो इससे मतलब है। ये वाला लगाते हैं, कोई स्मेल नहीं है इसमें, और स्प्रेयर भी देख लेना इसी के साथ साथ कैसा है। ये नहीं कि मैंने मंगाई है इसलिए, ये इसलिए कि मैंने बहुत सर्च करने के बाद मंगाई है, इसलिए बहुत नेक्स्ट लेवल है। चलो अब सेकंड परफ्यूम आ गया, ले ट्राई कर। फ्रूटी सी स्मेल है ये तो पूरी। किस कौन से फ्रूट जैसी है? बहुत सही पहुंच गया। सोच सोच, टैंगी फ्रूट है तो सोच कौन सा परफ्यूम है ये, मतलब बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर फ्रूट है। सॉरी ये मैं सीओ लगाता हूँ ना। हाँ वैसे यार ले आ गया डेला वीटा पे। अबे सोच, बहुत सिमिलर फ्रूट है वो। फ्रूट नहीं पहचान, नहीं पहचान पे कोई बात नहीं ले। अच्छा रुक एक मिनट, रुक जा, 10 में से मार्क्स बता। इसको तो मैं 9 दूंगा। 10 में से 9 पक्की बात? पक्की। चलो भाई ये वाला पसंद आया इसे। अब ये हमारे परफेक्ट नोजर को टेस्ट कर लेते हैं। साले मारूं ऐसी एक चाटा भी हेडफोन उतरे तेरे। फीलिंग ले रहा है पूरा। बढ़िया है, बढ़िया है। ये समर में यूज करने वाली है, रिफ्रेशिंग टाइप की है। ठीक है 10 में से मार्क्स बता। और कौन से फ्रूट की खुशबू आ रही है? इसको पता है, इसमें पाइनएप्पल की खुशबू है, प्योर पाइनएप्पल, पाइनएप्पल और सैफ्रॉन केसर, बहुत प्यारी खुशबू है। मतलब ये खुशबू ऐसी है ना, अगर आपसे कोई बोले पाइनएप्पल की खुशबू, आप सोचोगे यार पाइनएप्पल की ही तो होगी, लेकिन अगर इसे सूंघ लोगे ना, नेक्स्ट लेवल खुशबू है ये। दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से, अरे वो दूसरी तरफ से, ऊनो वाली साइड। पहले वाला मतलब जो पहले लगाया था, तो पहले वाला ये है, ये पाइनएप्पल है। हाँ ये पाइनएप्पल है, ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला। 10 में से मार्क्स दे। नहीं इसको, ठीक है तू बता। ऊनो वाली साइड, ऊनो वाली साइड से सुन लो भाई, मैंने तो पहले बोल दिया था ये 10 है भाई। 10 में से ये 10 है, 10 में से 10। हां ये 10 है भाई, ये परफ्यूम सबको पसंद आ रहा है। ये ले भैया जी, थाली से जाओ ऊनो। पहले वाला ये? हां पहले वाला ये। ये वाला ज़्यादा बेटर। 10 में से? 10 में से 8.5। 10 में 8.5। उसको कितने दिए थे? ये वो खड़ूस टीचर है स्कूल का। कोई ना, इसकी खड़ूसियत निकालूंगा। एक भी स्प्रे अगर मांग लेगा ना लगाने को, मेरे तो सभी अच्छे हैं। हाँ तू साले वही रह गया, फॉग और एंगेज वाला, वो भी पड़े हैं मेरे पास, वही वाले दूंगा इसको। अब मांगेगा तो लगाने को, अब तीसरा वाला जो बचा है वो लगा के वो भी टेस्ट करवा देते हैं। तीसरा भी टेस्ट कर लेते हैं। तीसरा है हमारे पास लताफा फकर। फकर मतलब कहते नहीं, प्राइड, गर्व, फकर है वो वाला। कुछ गलत मतलब मत समझना, इसका नाम यही है। देखो FAKHAR फकर ये लिखा है। इसकी बोतल कुछ लोग कहते हैं उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी, और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। देखो अच्छे से फंसी हुई है, अलादीन के चिराग जैसी बोतल नहीं है, ऐसे रगड़ूंगा फिर जिन निकल के आएगा। और इसकी कैप है, ये भी मेटल है, भारी कैप है काफ़ी, और ये कांच की बोतल है। देखने में पता नहीं कैसी भी लग रही हो, प्लास्टिक उस्टिक, लेकिन ये कांच की बोतल है, और इसमें यहाँ पे एक मिरर टाइप का भी है। तो चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। स्प्रेयर थोड़ा सा अच्छा है बाकियों से इसका, बाकी दोनों के कैप्स मैग्नेटिक नहीं है, लेकिन कायद अल फरसान का कैप मैग्नेटिक है। उसको दोबारा से अब रख देते हैं, उसको थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं, क्योंकि एकदम एकदम परफ्यूम मारते सूंघोगे तो अल्कोहल की खुशबू आती है। चलो जी तीसरा वाला भी इन्हें सूंघा के ट्राई करते हैं। मैंने इनको बॉटल्स इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इसमें से
दो तीन जने तो मेरे साथ ही रहते हैं, तो इन्हें पता है कि इस बोतल से ये वाला निकलता है, और इन्होंने बोतल से याद रख रखा है कि ये परफ्यूम अच्छा और ये बुरा है। तो इस वजह से मैंने बोतल्स नहीं सुंगाई आज, प्योर इनको वो दिखा देते हैं, प्योर रिव्यू करवा लेते हैं बिल्कुल कि सच में अच्छा कौन सा लगता है। तो अभी तक तो कायद अल फरसान इन्हें बहुत अच्छा लगा, देखते हैं। ये वाला मेरे पास भी आज ही आया, और इसकी खुशबू, लोग कहते हैं इसकी खुशबू YSL जैसी है। YSL YDP एक परफ्यूम आता है जो कि मेरे ख्याल 8-9 हज़ार के करीब करीब मार्केट में आता है, और ये खुशबू बहुत प्यारी है। आपको प्राइस अभी सबके बता दूंगा, लेकिन ये खुशबू ना बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टाइप की खुशबू है, और ये वही खुशबू है जो ऋषि ने बोला था कि शादी की याद दिला दी। बहुत प्यारी खुशबू है। चलो इसका भी रिव्यू लेते हैं। तीसरे की बारी, इस तरफ से पकड़ो और सूंघो, बताओ। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ठीक है, और फ्रूटी तो नहीं है ये। और ये स्मेल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी। 10 में से 10 में से इसको मैं 6 दूंगा, ठीक है। ले है वो, एक सेकंड, स्ट्रॉन्ग है। क्या पता स्ट्रॉन्ग इस वजह से लग रही हो, एकदम परफ्यूम लगाते ही सूंघ लिया अल्कोहल की वजह से, लेकिन खुशबू बताओ मतलब कैसी लग रही है। चल कोई ना, एक बार आगे दे दे, क्या पता तब तक खुशबू थोड़ी बदले। अभी रेटिंग रूटिंग मत दे इसको, ले तू बता। अब अच्छा लग रहा है ये बता। हाँ, पर से 10 में से रेटिंग दे, देख के ले लो। 7 10 में से 7। लो ऋषि जी, थोड़ा सा वो ना उस समय वक्त बिल्कुल अल्कोहल का उस पे हिट था, थोड़ा दूर से सुन नाक में भी घुसा, थोड़ा सा फर्क पड़ा, अच्छी हुई है। और यही बताऊं, 5 मिनट बाद सूंघोगे ना, ये सारी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी लगेंगी। रेटिंग बदली थोड़ी 7 से 8, तू फिर से सूंघ ले, कंफ्यूज लग रहा है तू। ये दोनों के सेंटर में, 7 दोनों के सेंटर में, मतलब कि पाइनएप्पल वाली सबसे अच्छी, ये वाली उससे थोड़ी कम, और पहली वाली सबसे कम, ठीक है। फिर से तू भी सूंघो, नहीं अभी भी मैं 6 दूंगा, ठीक है, ले। आठ दे दिए, ठीक है। अब ये रही हमारे पास 3 खुशबू है, एक बार अब मैं भी तीनों सूंघ के अच्छे से। ये तो पाइनएप्पल वाली है, ये पता कैसी है, खा जाने का मन करे ऐसी खुशबू है। पाइनएप्पल और सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मेरे को खैर इतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन प्योर पाइनएप्पल की खुशबू है ये, और वैसी पाइनएप्पल नहीं है जो आप सोचो कि पाइनएप्पल काट के सूंघ लिया है, मतलब प्योर पाइनएप्पल, लेकिन बहुत अलग लेवल की खुशबू है। सूंघ के पता चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ लगाई है ना कि सामने वाला पूछ ही लेगा कि पाइनएप्पल से नहा के आए हो या क्या करा है, बहुत नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। ये थी कायद अल फरसान, ये बीच पे लगाने टाइप वाली खुशबू नहीं लग रही, थोड़ी बीच पे लगा के शॉर्ट्स पे ऐसे इधर चिक्स उधर चिक्स, इसकी खुशबू बदल क्यों गई। ये लताफा, हाँ वीडियो बंद है, आप ना डब्बे के ऊपर रख दो कार्ड्स, खुली हुई है, अब ना डब्बे लाओ और उसके ऊपर रख दो कार्ड्स कौन सा है। हाँ, अब मैं जाके परफ्यूम्स लेके आता हूँ और बताता हूँ कौन सा परफ्यूम कौन सा था, इन लोगों को कौन सा पसंद आया, उसके बाद प्राइस बताऊंगा, बॉटल्स इनसे पूछूंगा, बॉटल्स भी कैसी लग रही हैं। हाँ, वो भी मैटर करता है, बॉटल्स भी मैटर करती हैं, अगर कलेक्शन में रखनी है तो सबसे मेन यही होता है कि बॉटल दिख कैसी रही है, देखने में चाहे कैसी भी हो, मतलब खुशबू चाहे कैसी भी हो, देखने में अच्छी लगनी चाहिए बॉटल्स।
ये लताफा नजदिया, ये मुझे काफी पसंद है और ये मैंने 1.5-2 महीने पहले लिया था। ये परफ्यूम ना बबल गमी खुशबू, और ये लताफा फकर YSL YDP जैसा। ये आ गए इनकी बॉटल्स। ये जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पाइनएप्पली खुशबू थी, जो फ्रूट की खुशबू थी, वो ये है कायद अल फरसान। कैसी लगी बॉटल? लग्जरियस लुक है। 10 में से 10। अच्छा इतनी प्यारी लग गई। हाँ ऋषि भैया देखा तो सही, ऐसे अनोखी देखी मेरे हाथ में नहीं दिखी थी। सूजल देखना पड़ेगा ये बॉटल कैसी लग रही है। सबसे अच्छी तो यही है। और पाइनएप्पल की खुशबू भी तुझे यही पसंद आई? नहीं, सबसे अच्छी वो है बोल वाली, ये वाली इस पे भी आते हैं, लेकिन तुझे खुशबू इसकी पसंद आई पाइनएप्पल वाली। और तुझे कैसी लगी? यही प्रीमियम है, क्लासी लुक है। चलो जी ने ये पसंद आई। ये वाली बॉटल कैसी लग रही है? ये तो ओल्ड पुराने जमाने की, पुराने जमाने की। कैसी लगी? अच्छी है। तू ओके ओके, तू मीडियोकर साढ़े ओके ओके क्या देता? ये लग रही है मॉडर्न, ये बोतल ऐसा लग रहा है अलादीन का चिराग। अभी रगड़ो अभी जिन निकलेगा। ये अरेबिया के फील्ड है, एकदम अरेबियन नाइट्स वाली। लेकिन खुशबू इसकी वैसी नहीं है, ये मैं सोचना खुशबू भी इसकी वैसी टाइप की बिल्कुल नहीं है। अगर सोच रहे हो कि क्लासी बोतल है ये, इतनी ज्यादा बेटर है वो, ये एकदम लग्जरियस फील दिखाती है, इलाइट एकदम। हां वो है। मैं अपना अगर आपको रिव्यू दे दूं तो मेरे को जो एट द एंड मैटर तो लव भाई का रिव्यू ही करता है सबसे बड़ी बात, बाकी हमका क्या है, हमें तो जो देखो लगा लेंगे, हमें तो ये खुशबू कोई भी हो सिर्फ सूंघना, जब मैं लगाऊंगा उससे आगे मत बढ़ना। ये खुशबू आज ही लेके आया हूँ तो ये इतनी मेरे अभी दिमाग में बैठी नहीं है, कुछ दिन लगेंगे समझ आएगी ये खुशबू। खुशबू को क्या है समझो तो अच्छी लगती है या तो अच्छी नहीं लगेगी। ये वाली खुशबू तो ऐसी है ना जिसके नाक में घुस जाए अच्छी लगेगी लगेगी। तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा मैं ये पाइनएप्पल वाली को। ठीक है, नजदिया को मैं 10 में से 9 दूंगा, नो डाउट मुझे बहुत अच्छी लगती है इनमें से, जबकि किसी को नहीं अच्छी लगी, लेकिन ये खुशबू बहुत बबल गमी और बहुत अच्छी खुशबू है ये। मतलब अगर आप ब्लाइंड बाय करना चाहते हो ना, बिना सूंघे कोई खुशबू लेना चाह रहे हो, देखो ये वाली तो डिपेंड करता है कि फ्रूटी चाहिए कैसी चाहिए, किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन ये खुशबू ऐसी है बबल गमी खुशबू है, यंग एज में बहुत अच्छी लगती है, स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ 30-25 साल की हैं सारे कॉलेज के, लेकिन जाते जूते नहीं है ये, जाते है भाई। ये खुशबू ना 25 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए नहीं है, उसके नीचे नीचे लगाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और ये खुशबू बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप की है। YSL YDP एक परफ्यूम मैंने आपको बताया, जैसे जो 8-9 हज़ार के करीब मार्केट में आता है, बहुत प्रीमियम है नो डाउट। ये ऋषि ये खुशबू जब मैंने तुझे सबसे पहले सुंघाई थी तूने क्या बोला था? शादी वाला। हाँ ऐसा लग रहा है शादी वाला। तो मतलब ये खुशबू ना बहुत मॉडर्न टाइप की और बहुत एक, अब मेरे को ऐसे तो नहीं पता, नोट्स मुझे ब्रेक डाउन नहीं करने आते, ये बता रहा हूँ पाइनएप्पल वाली है प्योर। ये थोड़ी सी लीफी बबलगम खुशबू है और इस खुशबू के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो चलो इसी के साथ ये हमारी आई फर्स्ट पे, बाकी कलेक्शन भी दिखा दो। ये सेकंड पे आई है, ये वाली सेकंड पे है, सेकंड पे नजदिया है, सेकंड पे नजदिया है यही है। चलो जी सेकंड पे नजदिया लाए हैं ये, और थर्ड पे आया लताफा फकर। तीनों लताफा के परफ्यूम्स हैं। कायद अल फरसान आपको मार्केट में ये वाला जो परफ्यूम है ना, आपको ये मार्केट में अप्रॉक्स मिल जाएगा 1100 से लेकर 1400 के बीच। ये वाला परफ्यूम 90 ml की बोतल है इसकी, और हाँ स्प्रेयर इसका आपको दिखा देता हूँ कितना है। तो मतलब अगर इसके 8 से 9 स्प्रेज लगाओगे तो 2 से 2.5 घंटा ये बॉडी पे टिक जाता है, और शरीर पे मतलब सूंघोगे तो 6 से 7 घंटा रहेगा, और कपड़े पे मतलब हाँ 10 घंटे तक आराम से आएगा, अगले दिन तक भी खुशबू आ जाती है इसकी अगर परफ्यूम सूंघो कपड़े में तो। लेकिन हाँ अगर उड़ेगा जो प्रोजेक्शन होता है वो 2 से 2.5 घंटे का। ये लताफा नजदिया, इसका स्प्रेयर थोड़ा छोटा है, काफ़ी छोटी मिश निकलती है, तो इसके करीब 10 से 11 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे तो जाके 2 से 2.5 घंटे अच्छे से प्रोजेक्ट होगा, और ये भी शरीर पे करीब करीब 6 घंटे रहेगा, और कपड़ों पे भी अगले दिन तक खुशबू आ जाती है। मतलब इसका मुझे तो ये 10 लगा के जाने। कौन से वाले? ये वाले चप्पल लेके खाएगा तो ये चलेगा बिल्कुल नहीं। अरे अभी रुक तो जा एक मिनट यार,
और ये लताफ, अगर इसके बारे में मुझे अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन काफी मॉडर्न सी खुशबू है, कुछ दिन लगेंगे इसे अपने दिमाग में बिठाने में, उसके बाद अगर किसी वीडियो में बता पाया तो जरूर से बताऊंगा। तो चलो, अच्छा हाँ भाई याद है इन्हें, इसका भी स्प्रे दिखा देता हूँ कैसा सा है। इसका तगड़ा है, इसका तगड़ा है और दूर तक जा रहा है। काफी काफी इसकी खुशबू मुझे अच्छी लग रही है, हल्के हल्के मुझे तो वैसे भी अच्छी लगी, अच्छी है ना इसकी फ्रेग्रेंस, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये पार्टीज पे लगाने वाला है, वैसे डेली वेयर भी है लेकिन मैं इसे ज़्यादातर पार्टीज पे यूज़ करूँगा, बाकी ये वाले दोनों परफ्यूम डेली वेयर हैं। तो चलो, कौन सा, कायद अल फरसान? हाँ, प्राइस बता रहा था मैं आपको, 1100 से 1400 के बीच, कायद अल फरसान पाइन एप्पल वाला। इसका एक वाइट वाला वेरियंट आता है जो कि मेरे ख्याल अल्टीमेट नाम से आता है, कायद अल फरसान अल्टीमेट या अनलिमिटेड ऐसे करके कुछ है, वो पूरी कोकोनट बेस्ड है और वो मैंने सुना है बहुत ज़्यादा क्रीमी खुशबू है, तो मतलब अगर उस तरफ जाना चाहते हो तो वो एक ऑप्शन आपके पास है, बाकी ये एक आपके पास है ही। और अगर पाइनएप्पल में ही और कुछ लेना चाहते हो तो एक रेव नाव करके परफ्यूम आता है लताफा का ही, वो भी इसी प्राइस सेगमेंट के अप्रॉक्स आएगा, वो मेरे ख्याल 1200 से लेकर 1500 के बीच में आपको मिल जाएगा आपके आसपास या ऑनलाइन भी। लेकिन हाँ, देख परख के मंगाना, ऑनलाइन आजकल बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं, इनके डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट बहुत आ रहे हैं। देखो डब्बे पे ऐसे करके एक लताफा का कोड बना होता है, ये एक लताफा का एम्बलम सा होता है जो कि 3D टाइप का होता है और ऐसे करके हिलता है, तो मतलब हाँ ऑथेंटिसिटी देख के ऑथेंटिक डीलर से ही लेना। तो ये 1100 से 1400, नज़दिया भी आपको हाँ मतलब 1200 से लेकर 1500 के अप्रॉक्स मिल जाएगा ये वाला। और जो लताफा फ़ख्र है ये आपको 1400 से लेकर 1800-1900 की रेंज में मिलेगा, जो मैं आज लेके आया हूँ ये वाला परफ्यूम। होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा, कुछ नया सा था, कुछ नया सा ट्राई किया, मेरे को शौक था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग मेरी एक तरीके से वर्चुअल फैमिली हो, तो प्लीज़ से प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और व्लॉग में, टिल देन बाय, जय हिंद।